एलजेपी का विवाद पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, चिराग पासवान ने दाखिल की याचिका। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार, 15 राज्यों में भी कीमतों ने लगाई सेंचुरी। दिलीप कुमार के निधन से गम में डूबा देश, कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटाए गए डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरी बार गिरी गाज, 43 मंत्रियों ने ली शपथ। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले श्रीलंका क्रिकेट में कोहराम, एंजेलो मैथ्यूज लेंगे संन्यास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ का काम है हिंदू मुस्लिम करना। सनातन धर्म हमेशा से ही एकता का पाठ सिखाता है, लेकिन बीजेपी इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं महंगाई को लेकर कहा कि आज पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री के बड़े दाम से आम जनता त्रस्त हो गई है। बड़े बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट के जो टैक्स कलेक्शन था वो घट गया। जो राहुल गांधी जी कहते थे ये सूझ बूझ की सरकार है, सही में सूझ बूझ की सरकार निकली। बड़े लोगों पर टैक्स की वसूली कम और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर टैक्स की वसूली ज्यादा। पूरी महंगाई की मार आज आम आदमी झेल रहा है। इसी प्रकार राफेल का प्रकरण यदि देखें तो फ्रांस ने जांच शुरू कर दी, जहां भ्रष्टाचार का पैसा दिया गया वहां तो जांच चालू हो गई, लेकिन जिसने पैसा लिया भारत का कमीशन खोर जो भी हो वहां जांच नहीं हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें मोदी जी का कितना इसमें हिस्सा है। एक हवाई जहाज की कीमत 1000 करोड़ रुपए बड़ी, जिस कीमत में हम लोग 126 हवाई जहाज खरीदने वाले थे उससे ज्यादा कीमत में अब केवल 36 हवाई जहाज हमारे पास आ रहे। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का ये प्रकरण है। नियम और कानून को वही मध्य प्रदेश के नेमावर में हुए हत्याकांड की आग सिंगरौली तक पहुंच गई है। यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले 200 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। रैली निकालकर इन सभी लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को फांसी दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं 70 करोड़ के एमडीएमए यानी ड्रग्स मामले में फरार चार आरोपियों को इंदौर क्राइम ब्रांच ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला आरोपी भी शामिल है। आरोपितों की 6 महीने से तलाश की जा रही थी। महिला से पूछताछ में पता चला है कि वो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स सप्लाई करने वाले पेडलरों को भी एमडीएमए ड्रग्स सप्लाई करती थी। वहीं इंदौर में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि जिस व्यक्ति से उसने कुछ दिनों पहले लव मैरिज की थी यानी प्रेम विवाह किया था, वो महिला की बेटी से ही शादी करना चाहता है। साथ ही वो युवती को लेकर फरार हो गया। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाश शुरू कर दी है। वही हरदा में कुछ कॉलोनाइजर बेहतर व्यवस्थाओं के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। कॉलोनी में लोगों को जो व्यवस्था देने का वादा किया गया था वो एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। लोगों ने बताया कि कॉलोनी में विगत 3 महीने से पेयजल की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। वहां बनाए गए मकान को अभी 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और यहां की छतों से पानी टपकना शुरू हो गया।
सीवेज के पाइप से गंदा पानी बहने के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जॉब करता हूँ आसाम। मेरी फैमिली यहीं पे रहती है प्राइम सिटी कॉलोनी में और मैं वहाँ पे ड्यूटी करता हूँ क्योंकि वो यहाँ पे पानी की किल्लत बार बार आ रही है क्योंकि उनको बताया भी था कि हाँ पानी की सुविधा हो जाएगी लेकिन हर थोड़े दिन एक दो दिन चलेगी मोटर फिर खराब हो जाती है। हम सभी कॉलोनी वासी हमारी कॉलोनी की समस्याओं को लेकर आज ADM महोदय के समक्ष उपस्थित हुए थे। हमारी कॉलोनी में विगत 2 साल से बहुत सारी समस्याएं आ रही है जिसके लिए पहले हमने कॉलोनी वाले को पहले अवगत कराया था लेकिन कॉलोनी लाइजर के द्वारा उतना रिस्पांस नहीं दिया गया। इस कारण हम लोग आज हमें समस्या को लेकर ADM साहब से मिले और हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो है एक तो वहाँ पर बिजली को लेकर दिक्कत है, कभी भी बच्चों की दुर्घटना हो सकती है, खुले पूरे तार पड़े हुए कॉलोनी में। दूसरा वहाँ पर ड्रेनेज में गंदगी, ऊपर आप जाके देख सकते हैं कितनी गंदगी हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या अब तूल पकड़ती जा रही है। प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल सिंह चौहान के नेतृत्व में कई पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। प्रसपा ने बताया कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग पर भाजपा के राज में हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार, मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, घटनाओं को रोकने में पुलिस असहाय है। उनका कहना है कि इस जघन्य हत्याकांड में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित कर मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब की ओर से नियाज अली सरकार दादा पीर के उर्स के मौके पर पौधारोपण किया गया। मालूम हो कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह ऑक्सीजन की कमी हो गई थी उसे देखते हुए पत्रकारों की तरफ से ये संकल्प लेकर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर स्टेट प्रेस क्लब इंदौर के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल एवं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शकील राज के साथ कई मीडियाकर्मी भी मौजूद रहे। वही सतना के अमरपाटन में स्थित पुस्तकालय दारू के हाते में तब्दील हो गया है। यहाँ हर दिन नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा शराब की महफिल जमाई जाती है। बीते कल नगर परिषद कर्मचारियों का शराब पीते वीडियो कैमरे में कैद हो गया। नगर परिषद के उच्च अधिकारियों को भी जानकारी मिल गई है लेकिन इसके बावजूद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लिए फौरन हाजिर होते हैं।